इंडियन नेवी रिक्रूटमेंट 2020। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो कंप्लीट देखेगा, तभी सभी क्वेश्चन के आपके डाउट क्लियर हो पाएंगे। अगर मैं आपको यहां पर इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाऊं तो आप यहां पर चेक कर पाएंगे, इंडियन नेवी की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुई, यानी कि नौसेना की ओर से नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। आप यहां पर इस भर्ती का नोटिफिकेशन में रीड कर सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंडियन नेवी की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अगर मैं आपको यहाँ पर इस भर्ती के एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिखाऊं तो आप यहाँ पर चेक भी कर पाएंगे, अगर आपने मैट्रिकुलेशन यानी कि अगर आपने 10वीं पास किया हुआ है तो आप इस भर्ती में आवेदन भी कर पाएंगे। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर पाएंगे। ऑल इंडिया वैकेंसी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक फ्रेंड्स में। फ्रेंड्स, आज हम जिस रिक्रूटमेंट की बात करेंगे वो नौसेना की ओर से नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुई, यानी कि इंडियन नेवी की ओर से नई भर्ती आ चुकी है। इस भर्ती में भारतीय किसी भी राज्य से आवेदन कर पाएंगे, यानी कि इसमें ऑल इंडिया वैकेंसी होगी। अगर आप 10वीं पास है यानी कि अगर आपने मैट्रिकुलेशन पास किया हुआ है तो आप इस भर्ती में आवेदन भी कर पाएंगे। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर पाएंगे, यानी कि महिला और पुरुष कैंडिडेट को यहाँ पर मौका मिलने वाला है। अगर आपके एज लिमिट 18 ईयर से लेकर 28 ईयर के बीच में है तो आप इस भर्ती में आवेदन भी कर पाएंगे। इस भर्ती को सबसे बड़ी बात होगी अगर आप यहाँ पर 1600 मीटर की दौड़ यानी कि 1.6 किलोमीटर की दौड़ 7 मिनट में कंप्लीट कर सकते हैं तो ये वैकेंसी आपके लिए काफ़ी अच्छी रहने वाली है। आपको नोटिफिकेशन कहाँ से डाउनलोड करना है, ऑफिशियल वेबसाइट से किस प्रकार से डाउनलोड करना है, किस प्रकार से आवेदन करना है, सभी जानकारी के लिए वीडियो कम्प्लीट जरूर देखेगा। लेकिन इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सअप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, आप यहाँ ज्वाइन कर पाएंगे। और अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जो इस भर्ती का रिक्रूटमेंट और उसका नेम रहेगा, इंडियन नेवी की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो, यानी कि यहाँ पर इसकी ओर से भर्ती चलेगी। और अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको मैंने तभी लाइक करना, नहीं तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट और होगी, कमेंट बॉक्स में आप जैन जरूर टाइप कीजिएगा। हु कैन अप्लाई, तो इस भर्ती में भारतीय किसी भी राज्य से आप आवेदन कर पाएंगे, यानी कि इसमें ऑल इंडिया वैकेंसी होगी। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर पाएंगे। जॉब लोकेशन और एग्जाम सेंटर जो आप करेंगे ऑल ओवर इंडिया, यानी कि पूरे भारत में कहीं भी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अगर हम इस भर्ती के पे स्केल की बात करें, यानी कि जो आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी 25,500 से लेकर 81,100 रुपये पर मंथ तक का आपका पे स्केल रहेगा, काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। एज लिमिट जो आपको यहाँ पर रहेगा 18 ईयर से लेकर 25 ईयर के बीच में अगर आप किए जाए तो आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। जनरल और यूआर कैंडिडेट के लिए, अगर आप एससी कैंडिडेट है जिसमें आपके एज रहेगा 18 ईयर से लेकर 30 ईयर के बीच में होना अनिवार्य है। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है यानी कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो आपके एज रहेगा 18 ईयर से लेकर 28 ईयर के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। जो एज काउंट की जाएगी 1 दिसंबर 2020 तक की जाएगी, यानी कि 1 दिसंबर को आपकी जिन्हें 18 से कम हो या 25 से ज़्यादा हो। और जो आपको यहाँ पर एज में छूट दी जाएगी, एससी वालों को 5 रुपये मिलेगी, ओबीसी वालों को यहाँ पर 3 रुपये छूट दी जाएगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। इस भर्ती की फिजिकल डिटेल होगी, आपकी कोई हाइट नहीं होना चाहिए। जो आपकी यहाँ पर रनिंग रहेगी, यानी कि जो आपको यहाँ पर दौड़ लगानी होगी 1600 मीटर यानी कि 1.6 किलोमीटर के लिए आपको यहाँ पर 7 मिनट का समय दिया जाएगा। अगर आप इस भर्ती का आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास ये वाले डॉक्यूमेंट होना अनिवार्य, फोटो सिग्नेचर, एजुकेशन की सभी डिटेल, डोमिसाइल, कास्ट सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड अगर आपके पास है तो आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। यानी कि आपको आईडी प्रूफ के तौर पर पैन कार्ड, आधार कार्ड देना अनिवार्य है। अगर आपके पास ये दो आईडी नहीं है तो आप यहाँ पर कोई और आईडी भी आप यहाँ पर दे सकते हैं, यानी कि आप वोटर कार्ड भी आपको यहाँ पर इनको दे सकते हैं। अगर हम इस भर्ती के एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आपने कम से कम 10वीं पास किया हुआ है यानी कि अगर आपने मैट्रिकुलेशन पास किया हुआ है तो आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। वो आपने किसी भी बोर्ड किसी भी सब्जेक्ट के साथ कम्प्लीट किया है तो आप इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। अगर हम इस भर्ती के सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें, सबसे पहले आपका यहाँ पर शॉर्ट लिस्टिंग एप्लीकेशन होगा, उसके बाद से आपका रिटर्न एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा, फिर आपका यहाँ पर इंटरव्यू भी रहेगा। इस भर्ती का जो यहाँ पर सिलेबस रहेगा आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। सबसे पहले आपका रीजनिंग होगा 20 नंबर का, इंग्लिश होगा 20 नंबर का, और जनरल जीके जो आपकी रहेगी 10 नंबर की रहेगी, और जो आपका ट्रेड रिलेटिव ट्रेड का टेस्ट रहेगा आपका 50 नंबर का आप यहाँ पर वो रहेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर आना होगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ से डाउनलोड करना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती का जो एप्लीकेशन फॉर्म आया हुआ है वो आपके सामने आ जाएगा। आप यहाँ से सिंपल तरीके से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपके सामने यहाँ पर इस भर्ती का एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर पोस्ट नेम बताना है, फिर आपको यहाँ पर कैंडिडेट का नेम फिल करना है, फादर नेम देना है, फिर आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ अपनी बतानी होगी, फिर आपको यहाँ पर परमानेंट एड्रेस बताना होगा, फिर आपको यहाँ पर कोरस्पोंडर एड्रेस बताना होगा, आपको यहाँ पर अपना फोटो भी लगाना होगा और उस पर आपको यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड कर लेना, यानी कहने की बात है आपको यहाँ पर फिल करना है आवेदन। अब आपको जहाँ पर वैकेंसी दी गई है तो आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। नंबर ऑफ पोस्ट रहेगी तो नोट मेंशन यानी कि नहीं बताया कितनी वैकेंसी निकाली गई। जो पोस्ट नेम रहेगा, टोटल आपको यहाँ पर दो प्रकार की वैकेंसी दी गई है। ड्राफ्टमैन के लिए रहेगी, मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि एमटीएस के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। यानी कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको यहाँ पर सबसे पहले बताना है किस पोस्ट के लिए आप आवेदन
करना चाहते हैं और अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं किस प्रकार से आवेदन करना है, तो कम से कम अगर इस वीडियो 500 प्लस लाइक आते हैं तो मैं आपके लिए वो वीडियो अपलोड कर दूँगा किस प्रकार से आवेदन करना होगा। और उस वीडियो को लिंक आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा। अगर आप हमारी वेबसाइट पर आना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वो वीडियो आप यहाँ से देख पाएंगे किस प्रकार से आपको आवेदन करना होगा। अब बात करें नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से इस भर्ती को ऑफिशियल नोटिफिकेशन में डाउनलोड कर पाएंगे। अब बात रही आपको यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, फिल करने के बाद इसका एड्रेस जो रहेगा, आप यहाँ से पोस्टल एड्रेस यहाँ पर लिखा हुआ है, आप जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर चार एड्रेस आ जाएंगे, उन एड्रेस पर आप इसको सेंड भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ पर आपको सभी महत्वपूर्ण लिंक दिए गए हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।